नमस्ते दोस्तों, गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा और कुष्ठ रोग। दवाई सबकी एक ही होती है। इसका पहला भाग हमने अभी अभी जारी किया, पकड़े नुस्खों का, वो करीब काफी बड़ा भाग था। अब बहुत अच्छे नुस्खे हैं, कुछ रह गए तो देखिए, हम किसी काम को कल पर नहीं डालते। कल किसने देखा है, आज को देखो, कल किसने देखा है। भाग दो हम जारी करते हैं सफेद दाग की, फकड़ी नुस्खों की, दवाइयों की। हाँ, देखिए, एक नुस्खा गंधक, हड़ताल, शिंगरफ, जमाल गोटा, मैनसिल, हिंगोटा, सफेद आग का दूध, थूहर का दूध, अमरबेल का रस, सफेद कनेर के फूलों का रस, इनको हाँ, इसके अलावा तीन धारा थूहर का रस और रुद्रवंती के पत्ते। रुद्रवंती के पत्ते, अंकोल के बीज, रामपत्री, कलमी शोरा, ऊंट की मींगनी, करील और बड़ी बावची, चित्रक, काली पहाड़, लहसुन, रज्जारांड, जटाशंकरी और कोली कांदा और करनी का पत्ता और गधे का पेशाब, मेहंदी के बीज और केले की गांठ या केले का रस, ये सब मिलाकर गोली करके तेल निकालें और उस तेल को लगावें। अब बताओ, हमारा भी खोपड़ा घूम जाता है ये सब बताने में, फिर भी हम इसको आपको इतना क्लियर समझा देंगे कि आपके समझ में बैठ जाएगा। अब दोबारा हमको पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि उस वक्त जल्दी जल्दी में लिख लिया हमने, हमें मालूम नहीं था वास्ता कहाँ पड़ेगा। हाँ, देखिए, दोबारा बोलते हैं, गंधक, हड़ताल, शिंगरफ, जमाल गोटा, मैनसिल, हिंगोटा, सफ़ेद आग का दूध, थूहर का दूध, अमरबेल का रस, सफ़ेद कनेर के फूलों का रस, तीन धारा थूहर का दूध रस और रुद्रवंती के पत्ते, अंकोल बीज, रामपत्री, कलमी शोरा, ऊंट की मींगनी और करील, लिस्से, बड़ी बावची, चित्रक, काली पहाड़, लहसुन, राजा राड, जटाशंकरी और कोली कांदा, करनी का पत्ता, गधे का पेशाब, मेहंदी के बीज और भिलावा, केले की गांठ या पेड़ का रस, ये सबको मिला करके और पीस के इसका एक गोला बनाए। अब उस गोले का पताल यंत्र से रस निकालें, तेल निकालें, उसका तेल निकलेगा इन सब चीजों का, और उस तेल को ल्यूकोडर्मा पे लगाने से, मैं कहता हूं सर किया ल्यूकोडर्मा ठीक होगा, लेकिन आप इसको नहीं बना सकते, आप इसको किसी वैद्य से बनवा सकते हैं। पताल यंत्र, एक जमीन में 2x4 का खड्डा खोदा जाता है, उसके अंदर ये एक नीचे कटोरी रख के और एक छोटी हांडी के मटकी के छेद करके और उसमें गोला रख करके और चारों ऊपर से पैक करके चारों तरफ ये कंडों के ये जला करके और फिर वो कटोरी में तेल टपकता, उस इस तरह से इसका तेल निकाला जाता है। तो किसी योग्य चिकित्सक को कुछ पेमेंट देके, जो भी हो, मेहनत ताना मांगे, तो इसका तेल निकाल के और फिर लगाने से ल्यूकोडर्मा ठीक होता। अब ऐसे ऐसे नुस्खे हम क्या करें बताइए। हाँ, एक और नुस्खा, आंवला सार, गंधक, चित्रक, कशीश, हड़ताल, त्रिफला, इनको गौमूत्र में पीस कर लेप करें, कुष्ठ ठीक होता है। ये बहुत बहुत सरल सिंपल नुस्खा। देखिए, आंवला सार, गंधक, चित्रक, कशीश, हड़ताल,
और त्रिफला इनको गौमूत्र में मिला करके और लेप करें तो कुष्ठ ठीक होता है। अभी बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे मैं आपको बताऊंगा, आप जल्दी ना करें। जब मेरे को जल्दी नहीं तो आप क्यों जल्दी करते हैं? हाँ, और नुस्खा खेर की छाल, आंवला और गिलोय, इनका क्वाथ बना के पिलाने से सफेद कोड मिटता है। और नुस्खा नीम गिलोय का रस पिलाने से वात पित्त का कोड मिटता है। चितक की छाल को दूध या सुक्ति या नमक के जल से साथ पीस कर लगाने से कोड मिटता है और त्वचा के रोग मिटते हैं। इसको दोबारा बोलते हैं, चितक की छाल को दूध या सुक्ति, सुक्ति का मतलब शिव की भस्म से है, या नमक और जल इनके साथ पीस करके लगाने से कोड मिटता है। अन्य प्रकार के जो त्वचा के रोग हैं वो भी मिटते हैं। चितक का लेप करने से मंडल कुष्ठ मिटता है। काली जीरी और तिलों को निवाया जल में भिगोकर और छानकर पिलाने से लाभ होता है, परंतु इस प्रयोग के पहले धूप या किसी प्रकार से शरीर का पसीना निकाल लेना चाहिए। इसमें दूध चावल का पथ्य देना चाहिए। इसमें थोड़ी वार्निंग है, मैं उसको दोबारा बोलता हूँ। काली जीरी और तिलों को निवाया जल में भिगोकर घोटकर छानकर पिलाने से लाभ होता है, परंतु इस प्रयोग के पहले धूप या किसी प्रकार से शरीर का पसीना निकाल देना चाहिए। इसमें निकाल देना चाहिए और खाने के अंदर रोगी को दूध और चावल ही देना चाहिए, इसलिए ये किसी वैद्य की देखरेख में ही करें। हाँ, और नुस्खा बावची 5 तोला, गूगल 5 तोला, दारू हल्दी 5 तोला, नारियल तेल 2 बोतल, सब चीज़ों को कूट के और तेल में डाल करके बोतल में भर के और कोर्क लगा दें, 7 दिन तक रखें धूप में, रोजाना दिन में 2 बार हिलावें। बाद में इस तेल का मर्दन करने से कुष्ठ, त्वचा के रोग और ल्यूकोडर्मा ठीक होता है। इसको दोबारा बोलते हैं क्यों, कि ये करने लायक नुस्खा है। हाँ, बावची 5 तोला, गूगल 5 तोला, दारू हल्दी 5 तोला, नारियल तेल 2 बोतल, सब चीज़ों को इनको दरगज करके और तिल्ली के तेल में डाल करके और बोतल में भर के और ढक्कन लगा के इसको रख देवें 7 दिन तक धूप के अंदर, सूर्य की धूप के अंदर रख देवें 7 दिन तक। फिर रोजाना दिन में 2 या 3 बार लगाने से, ये लिखते हैं कि इस तेल को लगाने से कुष्ठ और त्वचा के कई रोग और ल्यूकोडर्मा ठीक होता है। अब देखिए, अभी और कुछ नुस्खे हैं। हाँ, अब देखिए, बहुत प्यारे नुस्खे और सरल नुस्खे हैं। मेहंदी के 7.5 तोला पत्तों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह मल छानकर उसमें थोड़ा बूरा मिलाकर 40 दिन पीने से कुष्ठ और ल्यूकोडर्मा नष्ट होता है। ये हमारा किया हुआ नुस्खा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसको दोबारा बोलते हैं, मेहंदी के 7.5 तोला पत्तों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसको मल छान करके और उसमें थोड़ा बूरा शक्कर मिला के और इस तरह 40 दिन रोगी को पिला दें तो ल्यूकोडर्मा और कुष्ठ ठीक होता है। और नुस्खा बावची 1 भाग और नमक 1.5 भाग, इनको कूट के और नित्य फक्की लेने से सफ़ेद कुष्ठ मिटता है। और नुस्खा शीर्ष के बीजों का तेल लगाने से ल्यूकोडर्मा ठीक होता है। शीर्ष पेड़ होता है सरेस, शीर्ष के बीजों का तेल लगाने से ल्यूकोडर्मा ठीक होता है। हल्दी की गुड़ में गोली बनाकर गोमूत्र के साथ लेने से भी ल्यूकोडर्मा और कुष्ठ ठीक होता है। शीर्ष के 1.5 तोला पत्ते और 2 मासा कागजी नींबू को 40 दिन लेने से लाभ होता है। ये बहुत सरल नुस्खा है।
सिर इसके 1.5 तोला पत्ते और 2 मासा काली मिर्च को 40 दिन लेने से ल्यूकोडर्मा में आराम मिलता है। कुष्ठ रोगी 4-6 महीने तक सिवाय चनों के, देखिए बहुत ध्यान देने की बात है, जिनको ल्यूकोडर्मा और कुष्ठ है और उनके लिए बड़े ध्यान देने की बात है। हाँ, जिनको है उनको ये लिखते हैं संत, 4-6 महीने तक सिवाय चनों के और कुछ न खाए, सिवाय चने चने जो होते हैं उनके अलावा और कुछ नहीं खाए, कम से कम 4-6 महीना और कुछ न खाए तो 18 प्रकार का कुष्ठ खत्म होता है। बोलिए आप, 18 प्रकार का कुष्ठ खत्म होता है। इसकी विधि ये है चने की, चनों को पानी में भिगोकर कच्चे चने खाएं या उबालकर खाएं, उसमें नमक मिर्च कतई नहीं डालें, पानी के साथ खाएं। जब भूख लगे तो केवल चना खाएं, उन्हीं चनों का पानी पिए, दूसरी एक वस्तु कुछ नहीं खाए न पीवे तो उसका कोड सरतिया जावे। अब हम क्या करें, इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं, इतना सरल नुस्खा। और कोड या ल्यूकोडर्मा सरतिया, सरतिया का मतलब आप समझ जाए, इसको दोबारा और बोल देते हैं, ये चनों के अलावा आप कुछ नहीं खाएंगे, चने चने का पानी यही है। हाँ, दोबारा बोल देते हैं, हाँ, कुछ रोगी को 4-6 महीने तक सिवाय चनों के और कुछ नहीं खावे तो 18 प्रकार का कुष्ठ नष्ट होता है। इनकी सेवन की विधि बहुत सरल है, चनों को पानी में भिगो कर कच्चे चने खावे या उबाल कर खावे, उसमें नमक मिर्च नहीं डाले, पानी के साथ खाए, जब भूख लगे तो केवल चना खाए और उन्हीं चनों का पानी पिए, दूसरी कोई वस्तु नहीं खावे तो ये संत लिखते हैं कि उसका कोड सरतिया जाए। देखिए, अब ये कुष्ठ रोग और ल्यूकोडर्मा की और त्वचा संबंधी रोगों का हमने दूसरा भाग भी आज ही आपको बता दिया है। हालांकि हमें काफ़ी टाइम हो गया बोलते हुए, देखिए हम वृद्ध आदमी हैं, थक भी जाते हैं, तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और एक हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कोई ऐसी कोई चीज़ जो छोटी मोटी है तो वो कोई अपने स्थानीय जो वैद्य हैं, देखिए जो वैद्य हैं वो भी पास होके आए हैं तो उनसे भी राय ले सकते हैं, और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे बताने का समय आप फिर भी नोट कर लें, सुबह मॉर्निंग 6:30 से 8 बजे मैं टेलीफोन पे रहता हूँ, मैं हर किसी को संतुष्ट करता हूँ, जवाब देता हूँ। अब आप जब आपका मन करे आप जब फोन लगा दें तो देखिए मेरी भी कुछ लाइफ है, रोज खाना भी खाना पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, बाजार भी जाना पड़ता है, तो फिर आप कहते हैं कि हमारा फोन नहीं उठाते। अरे भाई, आपका तो जब मन किया आपने फोन लगा दिया, तो एक बात बताओ, मैं फोन के चिपका ही रहूँगा क्या, पेशाब नहीं करूँगा, बाथरूम नहीं करूँगा? तो ये समय मैंने दे रखा है, 1.5 घंटा कम नहीं होता। प्लीज़ आप मेहरबानी करके इस समय में मेरे से जो भी पूछना चाहें मैं आपको बताऊंगा, संतुष्ट करूंगा। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।